हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट यू रिपेयर। और मैं आपका दोस्त वसीम। दोस्तों, आज मेरे पास एक फ़ोन है, MI का 4A है या फिर ये 5A है, दोनों में से कोई भी फ़ोन है। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो है नो सर्विस का प्रॉब्लम है, ये इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा। तो इसको आज ठीक करेंगे दोस्तों। नो सर्विस के प्रॉब्लम को कैसे आप आँख बंद करके ठीक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आती है, ये चीज़ मैं आज बताने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ है दोस्तों कि दोस्तों यही वो ये फ़ोन वो वाला है जो इससे पहले मैंने सिर्फ इसका टच चेंज किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 2-3 महीने कस्टमर यूज़ किया है और सिर्फ मैंने इसका टच चेंज किया था तो इसका फोल्डर नहीं बनाया था इसको। तो एक और मेरे पास फ़ोन आज देखिए ये वाला फ़ोन आया है J2, ठीक है। इसका भी मुझे टच चेंज करना है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा कि सिंपल से कैसे इसका टच चेंज कर सकते हैं और बिना फोल्डर को ये किए हुए, क्या कहते हैं उसको, फोल्डर बनाए हुए, ठीक है। और देखिए 2-3 महीने चलाने के बाद भी जो है कोई भी इसमें बबल या फिर कुछ भी नहीं है, हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ आया हुआ है रेनबो जैसा, ठीक है। बाकी और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि है ना नो सर्विस के प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, मेरे वीडियो को अच्छा लगता है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं सब्सक्राइब करने इसलिए बोलता हूँ ताकि मेरा वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। तो अगर मेरा वीडियो से आपको फायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये देखिए इसमें नो सर्विस का प्रॉब्लम आ रहा है। एयरटेल का मेरा अपना सिम है, टेस्टिंग सिम, ठीक है। तो इसको ठीक करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है, IMEI नंबर चेक कर लेते हैं, क्योंकि IMEI नंबर अगर करप्ट रहने से भी प्रॉब्लम होता है। तो IMEI नंबर इसका बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो IMEI नंबर ओके है, तो अब हम देखते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं, सिम को निकालते हैं। सिम को निकाल दिया, इसके ऊपर का प्लेट नहीं है। तो दोस्तों, इसमें हुआ ये है कि इसका जो है, ये देख लीजिए, इसका जो है ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एक एंटीना होता है, एंटीना वायर के साथ कनेक्टेड रहता है, ये देखिए ये वाला, तो ये वाला जो है टूट गया है इसका, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपको जम्पर मारना है तो बहुत ध्यान से जम्पर मारना होगा, और ऐसा जम्पर मारना होगा ताकि आपको, ये देखिए ये वाला जो चीज़ है ये टूट गया है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये वाला एंटीना होता है, ये टूट गया है। तो इसमें भी अगर उल्टा सीधा जम्पर हो जाएगा दोस्तों तो आपका नेटवर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आपको सिंपल और आसान तरीका से कहाँ से कैसे जम्पर मारना है, ठीक है। और तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करना होगा कि इसका बैक खोल लेना होगा पीछे। को जो है आपको सिंपल से जो है इसको पत्ता को निकालना है, सॉरी पत्ता बोल रहा हूँ, वायर को निकालना है। और एक चीज़ जरूर चेक करें, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को चेक करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। मीटर को कर लीजिएगा बजर रेंज पे, और इसका बीच वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है दोस्तों, इसका जो बीच वाला मिडिल वाला पॉइंट पे आपका बीप कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, बीच वाला पॉइंट अगर बीप कर रहा तो समझ लीजिए जो है ये पॉइंट मेरा शॉर्ट हो गया है। तो आपको जो है यहाँ से चेक कर लेना है, ये पॉइंट से जो है जम्पर मारना होगा। तो मेरा बीच वाला पॉइंट ओके है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो है नेटवर्क से निकलता है। तो ये तीनों पॉइंट एक साथ होता है और ये बीच वाला पॉइंट अलग होता है, ठीक है। तो बीच वाला पॉइंट को आपको कहाँ जम्पर मारना है और साइड वाला पॉइंट को आपको कहाँ जम्पर मारना है, चलिए हम बताते हैं। तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ है, 2 जम्पर वायर लेना पड़ेगा।
ठीक है, तो जंपर एक यहां मार दिया है और एक जंपर को मैंने जंपर मार दिया है। एक पॉइंट यहाँ से जो बीच वाला पॉइंट है वो यहाँ इस पॉइंट से होते हुए बीच वाले पॉइंट से होते हुए यहाँ जा रहा है, तो मैंने यहाँ जंपर मारा और एक यहाँ से जो है इस पॉइंट में यहाँ पे जंपर मारा। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों कि जो है मेरा नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हम बैटरी लगाते हैं। उसके बाद सिम भी लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब जो है नेटवर्क इसमें आ गया है। ठीक है, ये देखिए एयरटेल आ गया है, नेटवर्क मेरा आ रहा है। ठीक है, हम अच्छी तरह से इसको जब पैक कर देंगे तो और भी अच्छी तरह से नेटवर्क आ जाएगा। तो मैंने इस तरह से वायर को निकाल दिया था और यहाँ पे इस तरह से जो है मैंने जम्पर लगाया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो वायर निकल गया, तो मैंने इस तरह से जो है जम्पर लगाया था। ठीक है,